Hey guys, welcome and welcome back to my channel. और आज फिर से हम मैं करने जा रही हूँ मुकबांग वीडियो विद रामेन। और यहाँ पे हमारा सॉसेस रेडी हो रहा है, सॉसेस बाय शेफ विवेक। और यहाँ पे मेरा मटन कड़ी रेडी कर दे रहा है। तो चलो मटन करी रेडी हो रहा है गाइस। आज बहुत मटन खाने का मन रहा था और सॉसेस और रामेन। और यहाँ पे विवेक, यहाँ पे इसका अब हम लोग करेंगे, मैं और इसका खाएंगे। चैलेंज तो नहीं बोलूँगी। ओ माय गॉड, मेरा बाल। और यहाँ पे गाइस देखिए इतना सारा। और गाइस मैंने एक्चुअली रामेन वो जो 3x 2x वाला रहता ना, हमने 2x 3x नहीं लेके आए। और ये कुछ जैकपॉट बोल के जैकपॉट नाम का नया रामेन कुछ आया है, कोरियन नूडल्स, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं आज। तो ये 3 लेके आई हूँ मेरे लिए, इशिका के लिए और विवेक के लिए। और इसके साथ में सॉसेस और एग भी था, बट मैं एग लाना भूल गई। तो गाइस मेरा बाल देखिएगा। और इस गर्मी तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है अभी फिलहाल के टाइम में, तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है मैसूर में भी। अभी पता नहीं अब जून जुलाई में तो और कैसा रहेगा, और ये आने वाला मंथ तो गर्मी कैसा रहेगा। और पानी तो ये बारिश तो एक ही बार बारिश हुआ था, अब पता नहीं और आगे बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से फिर रामेन वगैरह से खाने का मन था ना। और मेरा थोड़ा अभी हेल्थ इशू चल रहा है, हेल्थ इशू सिंस थोड़ा मतलब गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो आलू टिक्की और अभी ना मुझे थोड़ा गैस, एक्चुअली मैंने ये 3x 2x लाने का कारण भी यही था गाइस कि वहाँ पे था, शॉप में था, मिला था मुझे। बट अभी रीज़न क्या हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा कम स्पाइसी, मीड स्पाइसी तो लिखा है, कम स्पाइसी भी है, फिर भी देखते हैं कितना कम स्पाइसी, मतलब हम लोग के लिए तो स्पाइसी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ही कम है स्पाइसी। तो मैं 3 चिली एक्स्ट्रा डालूँगी, तो देखते हैं या टेस्ट करते हैं, मिलती हूँ आप लोगों को फिर। सो या गाइस, अभी हमारा नूडल्स यहाँ पे पक गया है, सॉसेस और टिक्की पक गया है। अब हम लोग यहाँ पे मिक्स करेंगे, उसका एक पैकेट है, मेरा एक पैकेट है। और यहाँ पे देखिए ना इसको, ओह माय गॉड, रेड कलर। लुक गरम नहीं। तो गाइस यहाँ पे मिक्स करेंगे इसको। ये तो ये थोड़ा रामेन जैसा नहीं है, पर है ना इसी का चीज़ मतलब सही बनता, क्योंकि रामेन में ना ज़्यादा पाउडर इसमें मेरा पानी आ रहा है। अब नेपाली में तो राल भन्छ, हिंदी में के भन्छ सलाइवा, सॉरी इंग्लिशमें बोल देते हैं ना, सलाइवा निकल रहा है। कहाँ खाएको त हौ मैले, मिक्स पो गरेको त, बट ठन्डा हो छुटाए, जल्दी करो, ठन्डा हुआ तो फिर गाइस टेस्ट नहीं होता है ना, ठन्डा नहीं होना है। इसमें ना पाउडर ये ज़्यादा है गाइस, ऑयल का कम है। और रामेन में क्या होता है ना, एक्सक्यूज मी, अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं अब खाने के लिए, ठीक है गाइस। Not bad. Not good, but not bad. But इसमें रामेन से थोड़ा सॉल्ट क्वांटिटी ज़्यादा है ये नूडल्स में, स्पाइसी भी ठीक ठाक ही है, स्पाइसी था सारे इसमें। मेरे ख्याल में ना वो पाउडर ज़्यादा है ना इसमें, पाउडर मसाला, उसकी वजह से सॉल्ट
ज़्यादा फील होता है आई थिंक मेरे मेरे ख्याल से जितना भी हम लोगों ने अभी तक रामेन वगैरह खाए हैं पाउडर का कम ही रहता है। कम्ती दाम पनि मिठो नि अखबारमा म्यागी लगाउनु छ म्यागीमा मिक्स गरेर हेर्नु आउँछ नि त्यस्तो है हम रामेन सुधारक त्यस्तो जिसको रामेन नहीं खाना है स्पाइसी नहीं खा सकते हैं उन ये ट्राई कर दें नाम क्या है अगर रामेन में सिर्फ लंबा नूडल्स ज़्यादा रहते हैं उसमें नूडल्स भी ब्रेक है रामेन में ऐसा नहीं होता बट ऑल ओवर ओके जिसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है और जिसको थोड़ा कम वाला ही बचत में वाला खाना है क्योंकि आपको पता ही है रामेन तो 140, 150, 160 अराउंड पड़ता है तो इसका प्राइस भी 50 रुपीज से है और ठीक ठाक है। तुझे क्या चाहिए? तो यार गाइस हम लोगों ने आज तो पूरा चट कर दिया ऐसा चीज़ है तो ये भी चट कर लेता है सिर्फ राइस वगैरह चट नहीं कर सकता है ये सब चीज़ है तो चटपटे वगैरह और जो भी बाहर का चीज़ है ना वो जल्दी खा सकता है। और प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा इसकी नेक्स्ट टाइम किस चीज़ के लिए कौन सा फूड के लिए लेके आए। और यह इतना ही आज के लिए होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय मिलती हूँ।